अस्सलाम वालेकुम। आज ही बहुत ही मज़ेदार सा समर स्पेशल ड्रिंक आम पन्ना की रेसिपी रॉ मैंगो जूस की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 2 किलो ली थी यहाँ पे मैंने कच्चे आम की कैरियाँ, उनको कट कर लिया। 2 कप चीनी या 1.5 कप चीनी जाएगी इसमें। मीठा बहुत तेज़ खा अगर आप पसंद करते हैं जूस में तो आप 2 कप चीनी यूज़ करेंगे। मिंट का यूज़ करेंगे। सॉल्ट है 1/2 टीस्पून से कम, 1/2 टीस्पून है ब्लैक सॉल्ट, 1/2 टीस्पून है भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा, 1/2 टीस्पून है काली मिर्च और थोड़ा सा इलायची पाउडर का ऐड करेंगे। सबसे पहले जी फ्लेम को ऑन कर लेंगे, उसके बाद जी इस पर रखेंगे पैन। पैन में डालेंगे कच्चे आम की कैरियाँ, रॉ मैंगोस ऐड कर देंगे और 1/2 कप का पानी का ऐड करेंगे क्योंकि ये अपना पानी भी छोड़ेगा। ठीक है जी, उसके बाद जी इसको ढक कर 15 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है, यानी जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती, गल नहीं जाती। वैसे बड़ी नाजुक होती हैं और ये फटाफट से गल जाती है, तो ढक कर इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट बाद जी ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी, गल जाएंगी और ये एक्स्ट्रा जो पानी इन्होंने अपना भी छोड़ा होगा और वो भी छोड़ देंगी। ठीक है, उसके बाद ये देखें बहुत अच्छे से 15 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं, गल चुकी हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा जो इसमें कोई भी अगर गुठली वगैरह होगी तो इस स्टेज पे हमने निकाल लेना है और जो बाकी का जो इसमें थोड़ा बहुत पानी रह गया वो इसको फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करके उसको ड्राई कर लेना है और उसके बाद इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप है जी इसका शीरा बनाने के लिए, उसके लिए ले लेनी है जी 1.5 कप चीनी। मीठा अगर आप बहुत तेज़ पसंद करते हैं मीठे में किसी भी शरबत में जूस में तो आप 2 कप शुगर ले सकते हैं। ठीक है, और पानी का इसमें मैंने 1 कप ऐड किया और इसको जब तक शुगर अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाती है तब तक इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत थिक नहीं करना शीरा, जस्ट चीनी डिसॉल्व होने तक हमने इसका वेट करना है। उसके बाद जी यहाँ पे जी जो हमने आम की जो कैरियाँ उसको जो गला लिया था वो बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही हमने इसको जूसर ब्लेंडर में डालना है और इसकी प्यूरी बनानी है, तभी अच्छी और फाइन सी प्यूरी बनेगी। गरम गरम हमने इसकी प्यूरी नहीं बनानी है। ठीक है, इसको ऐड करेंगे और इसको तकरीबन फ्यू सेकंड्स के लिए हमने इसको जूसर ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बन जाएगा, बहुत अच्छे से प्यूरी बनकर रेडी हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स लगेंगे और बड़ी अच्छी सी फाइन सी प्यूरी बन जाएगी। और चले जी ये देखिए तकरीबन 2 से 3 सेकंड्स में बड़ी अच्छी सी फाइन सी प्यूरी बनकर रेडी हो गई है। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, देखें बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन गया और बहुत अच्छा स्मूथ सा ही पेस्ट बनना चाहिए तभी हमारा मज़ेदार सा आम पन्ना रेडी होगा। ठीक है, उसके बाद जी इसमें 1/2 बंच फ्रेश मिंट लीव्स डालने हैं। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद है तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। तो मिंट डालकर हमने फिर इसको एक दफ़ा से ब्लेंड करना है ताकि जो मिंट डाला है वो भी अच्छे से इसमें ब्लेंड हो जाए। थोड़ा सा ब्लेंडर को हम शेक करेंगे बड़े एहतियात के साथ, इसे बड़ा इजीली रहता है, बड़ा अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी होता है, कोई भी चंक नहीं रहेगा। ठीक है जी, और ये देखिए बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा फाइन सा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। तो चले जी बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जो यहाँ पे हमने चीनी डिसॉल्व करने के लिए रखा था वो भी अच्छे से चीनी डिसॉल्व हो चुकी है और अब इसमें हमने डाल देनी है जो आम की जो प्यूरी है वो हमने ऐड करनी है इसमें और इसको पकाना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्की। इसको पका लेंगे, चमचा कंटिन्यूसली हमने हिलाना है, मुसलसल हम हिलाएंगे ताकि आपका जो आम की ये जो प्यूरी है वो पैन के साथ ना लगे। ठीक है, वरना वो जल जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी तो मज़ा नहीं आने लगा। तो विस्क की हेल्प से आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे शीरे में ताकि बहुत अच्छे से जो प्यूरी है ये अच्छे से डिसॉल्व हो, मिक्स हो जाए, अच्छे से रच बस जाए, इसका कोई भी चंक ना रहे। अक्सर गुठलियाँ बन जाती हैं मिक्सिंग के टाइम तो वो भी नहीं रहेंगी। और इस टाइम इसकी खटास थोड़ी सी चेक कर लेंगे कि कितनी मतलब है, खट्टा मीठा है कि नहीं, अदरवाइज़ हम इसमें चीनी का और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे चीनी बिल्कुल ठीक थी, परफेक्ट
चाहिए मिठास थी। इसके बाद इसमें हमने डाल देना है थोड़ा सा इलायची पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम सॉल्ट का, हाफ़ टी स्पून ब्लैक सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से विस्क की हेल्प से मिक्स कर लें। इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी, बहुत अच्छे से तमाम मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और कोई भी चंक या गुटली नहीं बनेगी। और ये देखें, और इस स्टेज पे आप फ्लेवर चेक कर लें, किसी भी चीज़ का, नमक का, काली मिर्च का, काले नमक का टेस्ट कम लगता है तो वो ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा फिंगर के साथ इस तरह से आप चेक करेंगे, अगर थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी हो गया है तो इसका मतलब है आपका जो आम पन्ना है वो रेडी हो गया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें ऐड किया है, ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा फूड कलर का ऐड करूँगी, मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया। अगर आपको पसंद है और मार्केट जैसी लुक देना चाहते हैं तो आप इसमें येलो कलर या ग्रीन फूड कलर का ऐड कर सकते हैं, मैंने ग्रीन फूड कलर ऐड किया है और बहुत अच्छा सा इससे कलर इन्हेंस हो जाएगा, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा लुक देने के लिए। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डालें, अदरवाइज़ इस कलर को भी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बॉयल आ जाएंगे, अच्छे से ये पक जाना चाहिए और इसके बाद इसका फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। मैंने थोड़ा सा और डाला है और बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा इससे, ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। मुझे अच्छा थोड़ा सा मज़ेदार सी प्यारी सी लुक देनी थी तो इसलिए मैंने इसमें ऐड किया, आप स्किप कर सकते हैं। तो ये आम पन्ना बनकर रेडी हो गया। अब इसको तकरीबन एक घंटे के लिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी। और इस स्टेज पर हमने इसमें ऐड कर देना है हाफ़ लेमन का ऐड करेंगे, ताकि जो हमने इसमें शुगर जो ऐड की है वो इसमें उसकी तारे ना बने, वो जमे ना, ठीक है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। गर्म स्टेज पर हमने लेमन बिल्कुल ऐड नहीं करना है, वरना जो जूस है उसमें आम पन्ना में जो है कड़वाहट आ जाएगी, इसीलिए अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद इसमें लेमन ऐड करें, अच्छे से मिक्स करें। उसके बाद कोई भी एयर टाइट जार ले लें और उसमें इसको आप स्टोर कर लें, स्टोर करके रख लें। जो जार है वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए उसमें, और आप इसको 3 से 4 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं और इसका फिर यूज़ कर सकते हैं, गर्मियों में मज़ा ले सकते हैं मज़ेदार से ठंडे ठंडे आम पन्ना ड्रिंक का। तो ये देखिए जी, मैंने इसको जार में डाल लिया है, अब इसको स्टोर कर लेंगे और ये देखिए आप इसको ईज़िली स्टोर कर सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए, ज़्यादा महीने के लिए भी कर सकते हैं। तो चले जी, अब इसको सर्व करते हैं। तो आपके सामने मैं यहाँ पे 2 ग्लास रेडी करूँगी, बहुत ही मज़ेदार से प्यारे से गिलास ले लेंगे, उसको आप मिंट और लेमन के साथ इस तरह से प्यारा सा प्यारी सी लुक देने के लिए आप उसको इस तरह से डेकोरेट कर लें। और उसके बाद इसमें सबसे पहले हम आइस डालेंगे और 1 गिलास के लिए इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून आम पन्ना के, वो ऐड करेंगे। और इसके बाद सही अच्छा सा सही ठंडा चिल्ड वाटर का ऐड करेंगे और उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा और आम पन्ना इसमें ऐड करेंगे। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा हमारा आम पन्ना का ड्रिंक रेडी है। और इसको अच्छे से स्ट्रॉ मिक्स करें और स्ट्रॉ के साथ सर्व करें, एज इट इज़ ऐसे ही सर्व करें। और ये देखिए जी, मज़ेदार सा आम पन्ना ड्रिंक रेडी है। इसके साथ ही जी हम एक और ग्लास बना लेते हैं, बहुत मज़ेदार सा ठंडा ठंडा बनता है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग लगता है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बड़ों का तो फेवरेट है ही, छोटों का भी फेवरेट ड्रिंक बन जाएगा। तो चलिए जी, एक और ग्लास रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले आइस डालेंगे, उसके बाद जी मिंट लीव्स डालेंगे और फिर डालेंगे आम पन्ना के 3 to 4 टेबलस्पून आम पन्ना के डालेंगे। उसके बाद डालेंगे ठंडा या चिल्ड वाटर का ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। और यहाँ जी मैंने इस पर थोड़ा सा मज़ीद कलर को इन्हेंस करने के लिए फूड कलर ऐड किया था, ग्रीन थोड़ा सा और कलर ऐड किया था। और ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, बड़ा प्यारा सा मज़ेदार सा आम पन्ना का ड्रिंक बनकर रेडी हो गया है, आम पन्ना का शरबत रेडी हो चुका है। तो ये था जी जनाब मज़ेदार सा समर स्पेशल ड्रिंक। आम पन्ना की रेसिपी बहुत मज़ेदार बनता है, ट्राई कीजिएगा और फिर इसका फीडबैक दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट किसी ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।